हमारी बॉलिंग के हवाले से स्पेशली शाहीन और हारिस कुछ बहुत ज़्यादा वैरायटी हम नहीं देख रहे हैं, और हारिस ने तो आज भी फुल टॉसेस किए, तो हारिस की मुझे नहीं समझ आती कि वो कब सीखेंगे अपनी गलतियों से, क्योंकि ये ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बहुत शर्मिंदगी का बाइस बनना शुरू हो गई हैं। अब फिटनेस पे बात आ रही है बार बार। देखिए, हारिस का जो बॉल करता है ना, वो उसने स्टार्ट अपना वैसे ही किया था। हाँ जी, पहले ओवर में 11 ही दिया था उसने। जी 11 12 ऐसा कुछ था। नहीं, मैं देखा उसका ओवर, छक्का उस ओवर में भी खाया था, और सेकंड ओवर में कहीं उसने आके रियलाइज किया कि ये बाउंसरों वाली नहीं है। एक बाउंसर करके उसने वाइड बॉल किया और वो 5 रन हुए थे, ऊपर से गुजार दी थी। फिर बाद में समझ आई कि नहीं, ये विकेट आगे करने वाली है, और फिर उस पर उसको विकेट भी मिली। देखें, ये वो प्लेयर हैं जो एक प्रोसेस होता है ना, जहाँ से आप गुजर के आते हैं, कि आप निचले लेवल से क्रिकेट खेलते हैं, स्कूल कॉलेज, फिर लाहौर से खेलते हैं, जहाँ भी आपका रीजन है, तो फिर आप पाकिस्तान टीम में आते हैं। ये लोग आए हैं सीधा टेनिस बॉल से, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की आप इनसे तवक्को ना रखें। वो चूँकि उन्होंने लंबी बॉलिंग जो हम बार बार कहते हैं की नहीं, उनको आइडिया नहीं है, वो सिर्फ कॉन्सनट्रेट करता है आके अपनी तेज़ बॉल करने की। उसको ये अभी तक समझ नहीं आई, इतनी देर पाकिस्तान खेलने के बाद भी, मेरे ख्याल 7-8 साल तो हो गए हैं, 10 साल हो गए होंगे, कि यार ये लाइन पे बॉल करने से आउट होते हैं, वेरिएशन से आउट होते हैं, विकेट को देख के जज करके उसके मुताबिक आप अपने आप को डालते हो ना। कोई भी दुनिया का बॉलर होएगा, तो अगर नहीं आपको पेस से आउट हो रहे, तो आप उसको वेरिएशन पे आ जाते हो, स्लो बॉल करते हो, मुख्तलिफ चीज़ें करने की कोशिश करते हो ताकि आपको फ़ायदा हो। मगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट का ये आलम है कि अभी तक उसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। वो पहले ओवर से शुरू होता है तेज़ बॉलिंग करने, बस उसको किसी ने शायद समझा दिया होगा कि दुनिया के तेज़ बॉलर, वो आके आप इस तरह इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये लोगों को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि जो प्रोसेस से लोग आते हैं ना, वही लंबी क्रिकेट खेलते हैं, अदरवाइज़ आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं होगी। आप कुछ देर के लिए अच्छा कर लेंगे, 1-2 साल आपका जब आप पीक पे होंगे तो आप आउट कर जाएंगे। हाँ, उसकी आप बात करें शाहीन की, शाहीन को इम्प्रूव करना चाहिए। उसको देखें, वो काफ़ी देर से खेल रहा है, और उसने मुख्तलिफ लोकल क्रिकेट भी अंडर 19 से आया। इतने प्रेडिक्टेबल हो गए हैं शाहीन के, दुनिया में हर बैटर को पता है कि शाहीन ने आके क्या करना है। देखें, ये आपको अगर पता है कि उसने आगे इन स्विंग करनी है, तो उसको आप इस पे सोचना चाहिए ना जी। अगर हम यहाँ बैठे, जितने लोग सब बात करते हैं कि वो इन स्विंग करता है आगे आके पहले ओवर से, तो ये उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि उसकी वो पेस नहीं रही। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ, वो डिसीव कब करता था, जब 140 प्लस करता था ना, तो उसमें आप बैट्समैन को मुश्किल होती थी। अब उसकी 135-30-35 के दरमियान उसकी स्पीड हो गई है, वो एडजस्ट हो जाती है। तो अब उसको अपना सोचना चाहिए कि मुझे लाइन अपनी चेंज करनी है। अब आप जब ऐसी सिचुएशन हुए ना, तो कभी आप फिर अटैक नहीं करते। पहला एक दो बॉल बीच में आप ज़रूर अटैक करें, मगर आपको फिर लाइन पे बॉल करनी होती है। आप वो अपनी पेस को भूल जाएँ आप, तो मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट की ये तो प्लेस पे अपने ऊपर है ना। और फिर जो आपके इतने सारे लोग आप साथ लेके गए हुए हैं, कोचेज वगैरह, उनको उसको गाइड करना चाहिए, कप्तान को गाइड करना चाहिए। कप्तान की अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको कह सके, जो एन जी बार बार कहते हैं, ये सीनियर प्लेयर्स की ड्यूटी होती है। देखें, जब एन जी या मैं या कोई भी कप्तान हम में से गुजरा हुआ है ना, तो हम अगर कोई गलती करता था ना, तो हम भाग के जाके उसको समझाते थे कि यार ये तुम गलती कर रहे हो, या हम उसकी बॉलिंग देख के या बैटिंग देख के हमें समझ आती थी कि यार ये गलती कर रहा है, इसको जाके समझाएं, ये ना करी। तो अब वो समझाने वाला कोई है नहीं। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी बॉलर को जाके अगर मार पा रही है या कुछ हो रहा है, कोई सीनियर प्लेयर ने आके कोई आपस में सर जोड़ा हो, यार ये गलती कर रहा है, इसको समझाओ। हम करते नहीं, हम वही उसी पर लगे हुए हैं कि मैच हार गए तो अफसोस कर लिया, और हमें बिठा दिया इनको बुरा भला करने के लिए। जो चीज़ें सीखने वाली है ना, इनको सीखनी चाहिए। जी भाई, आपने क्योंकि PDP जो है लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप बात कर रहे थे कि आपने उसमें भी काम किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये हारिस की जो शॉर्टकमिंग्स हम देख रहे हैं, और ये अब से नहीं है, ये बहुत लंबा अरसा हो गया, 2022 से तो हमने नोटिस करना शुरू कर दिया था, अब 2024 में भी हम वही बात कर रहे हैं, तो किस तरह और बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे प्लेयर्स में वो रिवाज नहीं है कि डोमेस्टिक में जाएं वापस और खेलें, और इन्होंने तो खेला भी नहीं हुआ, डायरेक्ट आए हैं। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का कि जी, और
देखो ये हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, अब उसकी परफॉर्मेंस है ना एशिया कप से ना वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी, तो जिस टाइम भी आप स्ट्रगल करते हो ना, ठीक है जी मैं कहूँ कि जी मैं किसी कोच के पास भेज दूँ वो इसको सही कर देगा, ये सारी इसी तरह की बात है। आपको वापसी ना बेसिक पे जाना पड़ता है, आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और लंबी बॉलिंग किस तरह है, और देखो जिस टाइम आप फोर डे खेल रहे होते हैं ना, वहाँ आपने एक स्पेल किया सुबह नए बॉल के साथ, दूसरा स्पेल आके आपने किया लंच के बाद सेमी न्यू बॉल के साथ, तीसरा फिर आप स्पेल करते हो आफ्टर टी, वो बिल्कुल पुराना बॉल होता है, आपके जिस्म में भी वेयर एंड टेयर होती है, आप खड़े होते हो, फिर जिस टाइम आप दिन के 20-22 ओवर करते हो ना जी, तो फिर आप मुख्तलिफ कंडीशंस में करते हो, पहले आपने ओवर्स किए ओपनर्स को, फिर मिडिल ऑर्डर्स को, फिर लोअर ऑर्डर को कर रहे हो, फिर सेट बैट्समैन को भी बॉलिंग कर रहे हो, उससे आप सीखते हो, ठीक है ना। अब ये हमारे बॉलर्स का कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी मैं कोई बता रहा हूँ तो ये कोई रॉकेट साइंस है, नहीं ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपको जाके अगर कोई बैट्समैन है वो अगर आउट ऑफ फॉर्म है, सिंपल ये कि जी वो जाके बड़ी क्रिकेट खेले, जिस टाइम आप 4 से 5 घंटे पिच पे गुजारोगे तो आप सीखोगे।